नए मोक्षधाम का लोकार्पण समारोह 28 अगस्त को आयोजित किया गया है और इस मोक्षधाम का उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और तेजराम जैन करेंगे। तो ये मोक्षधाम किसी विशेष समुदाय का नहीं है बल्कि सभी समुदायों का है और सभी समुदाय यहाँ अनुष्ठान कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मोक्षधाम समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। कई वर्षों तक कामठी शहर का पुराना मोक्षधाम रानी तलाव मोक्षधाम था। अंतिम संस्कार करने के लिए शहर के पूरे समुदाय के नागरिक इस मोक्षधाम में आते थे। हालांकि शहर की बढ़ती आबादी के कारण एक बड़े मोक्षधाम की आवश्यकता थी। चंद्रशेखर बावनकुले की पहल पर कामठी शहर को एक नया मोक्षधाम दिया गया है। कामठी में नए मोक्षधाम का लोकार्पण समारोह 28 अगस्त को आयोजित किया गया है और इस मोक्षधाम का उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और तेजराम जैन करेंगे। इस दिवस पर जुलूस के माध्यम से शहर का भ्रमण करते हुए नए मोक्षधाम में महादेव की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मोक्षधाम समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी कि ये मोक्षधाम सभी समुदायों का है और सभी समुदाय इस मोक्षधाम में अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लोकार्पण गंज के बालाजी से शोभा यात्रा निकलेंगी, वहाँ एक पूजा अर्चना करेंगे छोटी सी शंकर जी की। उसके बाद शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए, क्योंकि सभी समाज के सभी वर्गों का इसमें सहयोग है और सभी वर्गों को इसमें आना है, जितने भी बौद्ध सिख हिंदू जो भी धर्म के लोग हैं जो रानी तालाब में आते थे वो सभी यहाँ उनको आना है। तो सभी मार्गों से गुजरते हुए और लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने और शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी रास्ते में इधर उधर सब उस चीज़ को शोभा यात्रा का स्वागत करने वाले हैं। तो यहाँ विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए यहाँ पहुँचेंगी और फिर छोटी सी पूजा अर्चना होंगी और बाद में आदरणीय चंद्रशेखर जी बावनकुले सावरकर साहब और तेजराज जी जैन बाबजी महाराज, इनके हाथों से वो लोकार्पण कार्यक्रम कराया जाएगा। जो भी नहीं है, हिंदू धर्म का ही है। हम लोगों ने उनको अभी आप लोगों को उसकी रजिस्ट्रेशन की कापी दी है मोक्षधाम समिति के नाम से। ऐसा कोई तो भावना ही नहीं है किसी की कि वो नहीं आना चाहिए या यहाँ पे पर्टिकुलर सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो बोर्ड पर भी देख सकते हैं, मोक्षधाम समिति लिखा है, रजिस्ट्रेशन कापी में भी लिखा है। और ऐसी कोई भावना किसी के मन में कुछ है नहीं। अब वो कुछ आ गया हूँ गलतफहमी तो उसका हम खुलासा पत्र प्रसिद्ध में कर चुके हैं। हम तो ये आह्वान करेंगे कि क्या इस मोक्षधाम समिति ने इस जगह को 75 सालों से हरिशंकर जी गुप्ता पूरी कामठी में सभी लोगों के पास में गए कि आप ये मोक्षधाम बनाने के लिए मुझे सहयोग करो, मेरे साथ में आओ, लेकिन कोई आया नहीं। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और समय समय पर गणपति संगेवार, इसके पहले ये यादव जी भोर ने कमेटी की स्थापना की थी 50-60 साल पहले। वीकेबी न्यूज़ के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।